आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड अपॉन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होते क्या हैं? क्वांटम नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन या एटम के रिगार्डिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताते हैं। सपोज़ आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका ऐसे कुछ होता है, जैसे ये आपका हाउस नंबर है, ये आपका सेक्टर है, ये आपका एरिया है, ये आपकी तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये आपकी स्टेट है। तो इट मीन्स जो क्वांटम नंबर है वो भी हमें किसके रिगार्डिंग बताते हैं, वो एटम एंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वो भी धीरे 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 अंदर की तरफ जाते हैं। मीन्स हमने यहाँ से मूव करना है कि शुरू यहाँ से होगा, फिर उसका सब पार्ट ये है, उसका आगे सब पार्ट ये है, उसका आगे सब पार्ट ये है, उसका आगे सब पार्ट ये है, हमने ऐसे बढ़ते जाना है। क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें शेल्स के रिगार्डिंग बताता है। शेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल को बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट को बिलोंग करता है। पहली बात, इससे स्टार्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन की नाइन्थ क्लास में ये बात बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रोटेट इन या रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट में फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, वो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में उसके मिलने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। मींस अगर मान लो मेरे पास जो है ये ऐसे है कुछ कि ये मेरे पास एक ऑर्बिट है, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका कुछ एक रीजन होता है, कुछ दायरा होता है जिसके इन बिटवीन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इन बिटवीन ये कहीं पे भी हो सकता है। तो उस रीजन की जो बाउंड्रीज हैं, मान लो अब इसकी ये जो बाउंड्रीज हैं, ये बाहर वाली जो बाउंड्रीज हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ऑर्बिट। अंदर वाले को बोलते हैं हम ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें यही बताता है कि वो कहाँ पे मिल सकता है, किस शेल में हो सकता है। तो अब शेल, आपको पता है शेल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास शेल होते हैं, उनका नेम स्टार्ट होता है विद के एल एम एन, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इससे हमें क्या पता चलता है? मान लो मैंने बोला कि नंबर फाइव, तो नंबर फाइव का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, मीन्स कि वो ओ शेल को बिलोंग करता है। मैं बोलूँ नंबर टू, तो इट मीन्स वो एल शेल को बिलोंग करता है, तो आप उससे शेल फाइंड कर सकते हो। एन वैल्यू होती है, मीन्स एन जिस नंबर की बात होगी आप उस नंबर की हेल्प से उस शेल का नेम फाइंड कर सकते हो। सेकेंडली हमारे पास इससे आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? ई एन इज इक्वल टू -1311.8 अपॉन एन दी स्क्वेयर, मीन्स जिस शेल की एनर्जी, जिस ऑर्बिट की एनर्जी आपने निकालनी है। मान लो मैं सेकेंड शेल की निकालना चाहती हूँ, तो आपने एन की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। मान लो मैं फोर्थ शेल की निकालना चाहती हूँ, तो एन की वैल्यू आपने 4 पुट कर देनी है। जिस भी शेल की आपने एनर्जी फाइंड करनी है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे ये भी पता चलता है कि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फार पार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसकी न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो भी कम होती जाती है। तो हमें ये भी पता चलता है। अब नंबर 1 है, मीन्स न्यूक्लियस के क्लोज टू है। नंबर 5 है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। नंबर 10 है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन इज एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। एज्यूमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है 0 to n minus 1। जो एज्यूमुथल क्वांटम नंबर है इससे हमें सब शेल के बारे में पता चलता है। मीन्स आपको ये पता चल गया पर्सन बिलोंग टू पंजाब, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जिला कौन सा है, अभी ये पता करने की बात है। तो ये उसका आगे सब पार्ट है, मीन्स शेल के अंदर सब शेल जो है, अब उसकी बात हो रही है। तो अब आपने करना क्या है, जैसे मान लो मैंने पता करना है कि मेरे पास सेकंड शेल है, उसमें कितने सब शेल होंगे, तो सेकंड शेल में मेरे पास 2 सब शेल होंगे। थर्ड शेल में मेरे पास कितने सब शेल होंगे, थर्ड में मेरे पास 3 सब शेल होंगे। फिफ्थ में मेरे पास कितने सब शेल होंगे, फिफ्थ में मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 सब शेल होंगे, ठीक है। तो एज्यूमुथल क्वांटम नंबर से आप उसका सब शेल जो है वो फाइंड कर सकते हो। देन एज्यूमुथल क्वांटम नंबर से सब शेल फाइंड हो सकता है। अब उस सब शेल का भी नाम है, अगर मान लो वैल्यू 0 है तो वो एस है, 1 है पी है, तो सो ऑन, इसकी ऐसे ये वैल्यू चलती है।
अब अगर मान लो आपकी वैल्यू आ गई, मैंने 0 टू n माइनस 1 लिया तो सेकंड की बात हुई तो वैल्यू आ गई 0 1 मींस s और p सबशेल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ शेल में कितने सबशेल होंगे, फिफ्थ शेल में 1 2 3 4 5 सबशेल होंगे एंड उसका नाम क्या होगा, s p d f g ये उसका नाम होगा। इसके अलावा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। कोई अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम काउंट होता है। तो उसका फॉर्मूला h/2πL(L+1)√। डन। अब इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि अगर मान लो कि सपोज देयर इज़ ए वायर एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दैट वायर, कोई वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा करता है। तो इट मीन्स ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो मेरे पास एक तार है उसमें करंट मूव कर रहा है तो ये करंट की वजह से इसमें एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। फिर जो धरती है, जो अर्थ है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ओरिएंट करना शुरू करेगा। ओरिएंट मींस मूव करना शुरू करेगा। तो इट मींस अगर मान लो मेरे पास ये ऑर्बिट है तो ये ऑर्बिट में अगर ये मूव करता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इम्प्लाइड बाय द अर्थ। अब इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस l टू प्लस l। तो अब आपने क्या करना है, l की वैल्यू, और देखो मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर 4 ले लिया, l 4 है, अगर n 4 है तो इट मीन्स n शेल की बात हो रही है। अगर n शेल की बात हो रही है तो हम ये ले सकते हैं कि पहले निकालते हैं इसका एज़ीमुथल 0 टू n माइनस 1, तो यहाँ से पता चल गया इसमें कितने सब शेल होंगे, 4 सब शेल होंगे। तो अब हर एक सब शेल का ऑर्बिटल निकालते हैं। अब मान लो मैंने पता करना है कि f में कितने होंगे, तो वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, माइनस 3 टू प्लस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, हाउ मेनी वैल्यूज 7, तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली आप d पे चले जाओ, d की वैल्यू 2 है तो अब ये प्लस 3 माइनस 3 को हटा दो, बाकी ले लो 5 है। p ले लो 1 है, माइनस 1 0 प्लस 1 है 3 है, एस 0 है तो 0 के केस में 1 है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के रिगार्डिंग बताता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की स्पिन लेता है, मींस कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, जैसे हमने बोला कि हर एक प्लैनेट का अपनी एक डायरेक्शन है, तो इट मीन्स कि रिवॉल्व करने की, तो अभी अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, तो जब ये अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है। अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। तो इट मीन्स आपको अभी ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट शेल की बात करता है, सेकंड सब शेल की बात करता है, थर्ड ऑर्बिटल की बात करता है एंड जो फोर्थ वन है इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन। थैंक यू।